नमोनारायण, जय महाकाल, जय बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होके और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर ये 10 संकेत आपको दिखाई देते हैं तो निश्चित ही आपका भाग्य बदलने वाला है। बिना कोई समय गवाए मैं इस वीडियो को शुरुआत करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगा, इससे ये वीडियो ग्रो होगा, चैनल ग्रो होगा और कुछ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइएगा। देखिए, दिव्य शक्तियों के बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं और उन्हीं में से ये संकेत हैं, जो संकेतों के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा अच्छा समय अब आने वाला है। यानी आप भी अगर पूजा पाठ बहुत ज्यादा कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कब मेरा अच्छा समय आएगा, लेकिन अगर इन संकेतों को आप देख रहे हैं या ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आपका अच्छा समय अब आने वाला है। मैं एक एक करके आपको इन संकेतों को बताता हूं और आप मिलाइएगा कितने ज्यादा संकेत आपको मिले हैं या मिल रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है कि अगर आपको दूल्हा दुल्हन दिखाई दे, नए नवेले दूल्हा दुल्हन अगर आपको दिखाई देते हैं सुबह उठते ही, तो एक अच्छा संकेत होता है। दूसरे नंबर पे अगर आपको गोल्डन कलर का सर्प दिखाई देता है, जिसे हम सुनहरा सांप कहते हैं, ये दिखाई देता है तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है। अगली बात है सफेद गाय का आपके दरवाजे पर आना, आपके दरवाजे पर आती है, इसे खाना खिलाइएगा, प्यार करिएगा और जितनी आपकी शक्ति है उतना अगर आप खाना खिला देंगे ये भी बहुत है, बस इतना भी काफी होता है। तीसरा संकेत, चौथा संकेत, अगर आपको इंद्रधनुष दिखाई दे, पांचवा संकेत, अगर आपके दरवाजे पर भिखारी आने लग जाए, छठा संकेत, घर से बाहर निकले और एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाए, सातवां संकेत, दूध से भरा हुआ बर्तन या गन्ने वाला आपको दिख जाता है, आठवां संकेत, सपने में भगवान से आप बातें करते हो या भगवान के सपने दिखाई देते हो, नौवां संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 से 5:30 बजे के बीच में आपकी आंख खुल जाए और आंख खुलते ही आपको अच्छा कुछ करने का मन हो, जैसे पढ़ने का मन हो, पूजा करने का मन हो, और अगर मन हो रहा है तो आप कर ले, ऐसा नहीं कि आंख खुली और फ्रेशस हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट 10वां संकेत, आपका परमात्मा पर विश्वास होने लग जाए या फिर आप जो भी बोलो वो सच होने लग जाए। अगर ये संकेत आपको 10 मिल रहे हैं तो निश्चित ही भगवान ने आपके लिए अब अपने द्वार खोल दिए। देखिए, हमारे जिंदगी में अच्छे कर्म हम करते हैं तो हमें अगली बार अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो उसी के हिसाब से पापों का निर्धारण होता है और इस साइकिल से कोई भी नहीं बच सकता है। बहुत से लोग इस साइकिल को समझ नहीं पाते हैं और बोलते हैं कि जो इंसान बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों को भोग रहा है, इस जन्म में वो बुरा कर रहा है, कर्म जुड़ रहे हैं, साइकिल चलती रहती है, अगले जन्म में उसके साथ बुरा होता है। तो इसीलिए जब भी करें अच्छा कर्म जरूर करें तो आपका भी समय आएगा, जब आप उन चीजों को भोग लेंगे तो समय आएगा। और जो लोग भक्ति में साधना में
बिजी रहते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं, स्मार्ट पर जब पढ़ते हैं उनका बुरा समय जल्दी जल्दी कटता है, यानी और तेजी से निकलता है, फिर अच्छा समय आ जाता है। इसीलिए हर इंसान को भगवान के लिए कम से कम 10 मिनट केवल निकाल ले, बस इतना काफी है। पूरे दिन भर आपको नहीं रहना है, आपकी जो जिम्मेदारी है उसे आप पूरा करें, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं और धीरे धीरे आप लाइफ में सब कुछ पाते चले जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति के लिए केवल 10 मिनट काफी है, और वो 10 मिनट कोई और काम नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से आप भगवान का स्मरण करते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। साधना मार्ग में अगर आपको ये 10 संकेत मिलते हैं तो इन 10 संकेतों को केवल संकेत मात्र मत समझिएगा, अच्छे कर्म करिएगा, भगवान की भक्ति पर पूर्ण विश्वास रखिएगा, अपने मंत्रों को बढ़ा दीजिएगा। जो आप सुबह शाम अलग अलग तरीकों से साधनाएं करती है उसको एक टाइम पे करिएगा, एक ही परमात्मा का नाम लीजिएगा, भगवान पर विश्वास रखिएगा, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं, तो 10 भगवान में जाने की आपको जरूरत नहीं है। अपने आप में एक देवी देवता सक्षम होते हैं सब कुछ देने में। सबसे पहले जो चीज नंबर 1 पे आती है वो होता है उन पर विश्वास। अगर आप एक देवता को छोड़कर फिर दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे को छोड़कर तीसरे में जा रहे हैं, तो ये आपके अधैर्य को दर्शाता है, आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपका मन भटक रहा है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैं इनकी भक्ति करता हूँ, इनको भोग लगाता हूँ, इनकी भक्ति करता हूँ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान में लागू होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली में। जब भी बजरंगबली का नाम लिया जाएगा वहां पर अपने आप श्री रामचंद्र जी आ जाते हैं, क्योंकि बजरंगबली अपने से ज्यादा श्री रामचंद्र जी की भक्ति को पसंद करते हैं। जो इंसान उनको छोड़कर भगवान श्री राम की भक्ति करता है, बजरंगबली ऑटोमेटिक वहां पर जुड़ जाते हैं। इसलिए अपने मन को मत भटकाइएगा, ईश्वर के रूप अनेक हैं, अलग अलग लीलाओं के लिए रूप धरे गए हैं, ईश्वर एक ही है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक ईश्वर को पकड़ लीजिए, उनके सारे मंत्र दोहा अर्चना स्तुति जो आपको लगे कर डालिएगा, एट द एंड में आपकी मुराद जरूर पूरी होगी। मैं महेश श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूँ, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी अध्यात्म में प्रगति। नमो नारायण, जय महाकाल, जय महाकाल।